हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। तो हम आज की क्लास में डिस्कस करने वाले हैं टाइप्स ऑफ डीसी मोटर। ओके, हमने आपको टाइप्स ऑफ डीसी जनरेटर का डिस्कशन बताया था, अलग अलग क्लासेस में डिस्कस किया था। परमानेंट मैग्नेट टाइप क्या होती है, सीरीज शंट क्या होता है, लॉन्ग शंट कंपाउंड, शॉर्ट शंट कंपाउंड क्या होता है। तो सेम क्या होती है, हमारी डीसी मोटर भी उतने ही टाइप के होते हैं जितने टाइप के डीसी जनरेटर्स होते हैं। केवल इसमें क्या है, एक ही अंतर होता है कि करंट की डायरेक्शन जो थी डीसी जनरेटर में क्या थी, आउटवर्ड थी, वही हमारी डीसी मोटर में करंट की डायरेक्शन जो है, आर्मेचर करंट की डायरेक्शन, वो क्या होती है, हमारी इनवर्ड हो जाती है। ओके, क्योंकि जो करंट है डीसी जनरेटर, जनरेटर का काम क्या था, हमारा जनरेटर क्या कर रहा था, जो हमारा मैकेनिकल क्वांटिटी है उसको किस में कन्वर्ट कर रहा था, इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट कर रहा था। वही जो मोटर है वो क्या करता है, हमारा जो इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी है इसको किस में कन्वर्ट करता है, हमारा मैकेनिकल में कन्वर्ट कर रहा। तो इसमें इलेक्ट्रिकल इनपुट दे रहा है इसलिए करंट क्या होगा, अंदर जाएगा। इसमें इलेक्ट्रिकल आउटपुट था इसलिए करंट क्या होगा, बाहर जाएगा। क्योंकि करंट जो है ये क्या, हमारा इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी है, ठीक है। तो मोटर में करंट दे रहे हैं तो करंट अंदर जाएगा, इसकी डायरेक्शन इनसाइड होगी, और इससे बाहर निकल रहा है मतलब आउटपुट इलेक्ट्रिकल मिल रहा है, इसलिए इसमें जो डायरेक्शन थी वो क्या थी, आउटवर्ड थी आर्मेचर करंट की। केवल इन दोनों में यही डिफरेंस है, ठीक है। बाकी हम डिटेल में बता चुके हैं कि कैसे होता है, हम इसको और शॉर्ट में एक बार देख लेते हैं। क्योंकि ईएमएफ इक्वेशन जो है, इस करंट की डायरेक्शन के कारण जो ईएमएफ इक्वेशन हम फाइंड करते हैं वो क्या होगी, हमारी चेंज हो जाएगी। जो डीसी जनरेटर में थी वो कुछ और आ रही थी, डीसी मोटर में हमारी कुछ और आएगी। ओके, तो टाइप्स के अकॉर्डिंग हम देखें तो ये हमारी क्या होती है, हमारी सेम एक होती है क्या, हमारी परमानेंट मैग्नेट टाइप, परमानेंट मैग्नेट टाइप हो गया हमारा, ठीक है। सेकंड होता है हमारा क्या, सेपरेटली एक्साइटेड, सेपरेटली एक्साइटेड डीसी मोटर। नेक्स्ट होगी हमारी क्या, सेल्फ एक्साइटेड, सेल्फ एक्साइटेड डीसी मोटर। ओके, अब सेल्फ एक्साइटेड में भी हमारे कई सारे टाइप की होती है। एक होती है क्या, शंट बाउंड डीसी मोटर, एक होता हमारा सीरीज बाउंड, और एक क्या होती है हमारी कंपाउंड बाउंड, कंपाउंड बाउंड। कंपाउंड बाउंड में भी दो टाइप से होती है, एक होगी हमारी लॉन्ग शंट कंपाउंड, लॉन्ग शंट, और एक होती है हमारी शॉर्ट शंट कंपाउंड, ठीक है। एक होता है लॉन्ग शंट कंपाउंड और एक होता है शॉर्ट शंट कंपाउंड, ठीक है। इनमें भी जो होता है वो दो टाइप से होती है, यहां मैं लिख रही हूं। एक होता है डिफरेंशियली कंपाउंड और एक होता है क्यूमुलेटिव कंपाउंड। ओके, ये मैं जनरेटर में बहुत ही डिटेल में डिस्कस की हूं, इसलिए मैं यहाँ पे आपको शॉर्ट में बताऊंगी। हमारी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप इसको और डिटेल में अच्छे से समझना चाहते हैं तो आप एक बार जो टाइप्स ऑफ डीसी जनरेटर है उनके टाइप देख लें। ओके, क्योंकि वहां पे हम एक एक चीज को डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं कि परमानेंट मैग्नेट टाइप क्या होता है, सेपरेटली एक्साइटेड क्या है, सेल्फ एक्साइटेड क्या है, कैसे इसमें ईएमएफ हमारा क्या होता है, इंड्यूस्ड होता है सेल्फ में। ओके, तो ये हमारा क्या है, टाइप्स ऑफ डीसी मोटर है कि ये इतने टाइप्स की होती हैं। डिफरेंशियली कंपाउंड में क्या होता है, ये जो कंपाउंड बाउंड मोटर है इसमें दोनों वाइंडिंग्स होती हैं, सीरीज वाइंडिंग भी और शंट वाइंडिंग भी, दोनों एक साथ हमारी कनेक्ट होती है, उसके अकॉर्डिंग ये होगा, ठीक है। अभी हम इसको डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं परमानेंट मैग्नेट टाइप डीसी मोटर क्या होता है, ठीक है। तो हमने आपको क्या बोला है, यहाँ पे हमें क्या है, एक फ्लक्स चाहिए है मशीन में, हमारा क्या है, फ्लक्स चाहिए। जो हमारी डीसी मोटर होती है इसमें क्या है, ये हमारा पोल्स लगे हैं, नॉर्थ पोल साउथ पोल, मतलब एक फ्लक्स चाहिए। तो या तो ये जो है मतलब जो फील्ड बाइंडिंग है इसको लगा के हम क्या करें, फ्लक्स जनरेट कर लें, या फिर हम क्या करें, परमानेंट मैग्नेट लगा दें। हमें तो क्या है, एक मैग्नेटिक फ्लक्स चाहिए, एक मैग्नेटिक फील्ड चाहिए। क्योंकि जब ये मैग्नेटिक फील्ड होगी उसमें कोई कंडक्टर लगा होगा जिसमें करंट फ्लो हो रहा होगा, तो उसमें क्या होगा, एक फोर्स एक्सपीरियंस होगा, ठीक है। तो हमें तो ये मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करना है, मैग्नेटिक फ्लक्स चाहिए है, तो चाहे तो हम क्या करें,
परमानेंट मैग्नेट का यूज कर लें और चाहे तो फील्ड वाइंडिंग लगा के यूज कर लें। ओके, तो फर्स्ट टाइप का जो है ये क्या है, परमानेंट मैग्नेट टाइप। तो हम इसमें क्या करते हैं, एक परमानेंट मैग्नेट का यूज कर लेंगे। परमानेंट मैग्नेट का यूज करेंगे हमारा, तो उसके कारण क्या होगा, हमारा फ्लक्स इंड्यूस्ड हो जाएगा। हमारा जो मशीन है, मशीन में क्या होता है, स्टेटर होता है, स्टेशनरी पार्ट जो योक है बाहर का, और अंदर क्या होता है, रोटर है, आर्मेचर वाइंडिंग जो घूमता है, उनके बीच का जो एयर गैप है उसमें हमें क्या करना है, फ्लक्स इंड्यूस करना है, मतलब उसमें फ्लक्स हो हमारा, ठीक है। तब अपन जो कंडक्टर से आर्मेचर कंडक्टर है उसमें करंट फ्लो कराएंगे, तो वो करंट कैरिंग कंडक्टर एक मैग्नेटिक फील्ड में रखे होंगे, तो एक फोर्स एक्सपीरियंस हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या है, हमारा फील्ड अपन को जनरेट करना है, उसी के नाम पे ये सारे टाइप्स ऑफ डीसी जनरेटर पढ़ते हैं, जो हमारी फील्ड वाइंडिंग है या जो फ्लक्स मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करना है उसके अकॉर्डिंग। ओके, तो परमानेंट मैग्नेट टाइप पर सिंपल क्या है, हम क्या करते हैं, एक परमानेंट मैग्नेट का यूज कर लेंगे। परमानेंट मैग्नेट, अगर कोई भी मैग्नेट है, आप एक चुंबक लीजिएगा तो आप देखिएगा कि कुछ एरिया तक उसका क्या रहता है, प्रभाव रहता है। तो उस चुंबक का कितने एरिया तक प्रभाव है, वो जो प्रभाव होता है, वो जो एरिया होता है, वो क्या होता है, उसका मैग्नेटिक फील्ड होता है। वहां पे जो मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स होता है, वही मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स क्या होता है, फ्लक्स होता है हमारा, जो कि ईएमएफ इंड्यूस का कारण होता है जनरेटर में। और यहाँ पे क्या है, जो हमारा टॉर्क जनरेट हो रहा है वो भी इसके, जब तक ये नहीं होगा तब तक टॉर्क जनरेट नहीं होगा, ठीक है। तो परमानेंट मैग्नेट टाइप में क्या करेंगे, एक परमानेंट मैग्नेट का यूज करके हम क्या करेंगे, ये जनरेट कर लेंगे। ओके, ये हो गया हमारा क्या, परमानेंट मैग्नेट टाइप। दूसरा क्या है, सेपरेटली एक्साइटेड टाइप डीसी जनरेटर। सेपरेटली एक्साइटेड टाइप में हम क्या करते हैं, एक अलग से क्या करते हैं, फील्ड वाइंडिंग लगाते हैं। एक अलग से फील्ड वाइंडिंग लगा के क्या करेंगे, मशीन में फ्लक्स को जनरेट करते हैं। एक फील्ड वाइंडिंग अलग से लगाएंगे और फिर हमारा क्या करेंगे, उसमें फ्लक्स को जनरेट करते हैं। ओके, देखते हैं हम किस तरीके से, इसका डायग्राम देख लेते हैं थोड़ा सा। ओके, सेपरेटली एक्साइटेड टाइप में क्या होगा, ये हम अलग से फील्ड वाइंडिंग लगाएंगे, इसके थ्रू क्या करेंगे, हम फ्लक्स जनरेट करेंगे। ओके, ये हमारा क्या आर्मेचर, यहाँ पे क्या है, बैक ईएमएफ जनरेट होगा, इसकी डायरेक्शन है ईबी। ये हमारा वीटी टर्मिनल वोल्टेज, तो ये जो करंट की डायरेक्शन है इसमें क्या होगी, अपोजिट होगी। हमने देखा था डीसी जनरेटर में जो करंट की डायरेक्शन है वो क्या थी, आउटवर्ड थी, क्योंकि यहाँ पे टर्मिनल वोल्टेज जनरेट हो रहा था। ये हम टर्मिनल वोल्टेज या फिर यहाँ पे सप्लाई वोल्टेज लिखेंगे, ये हमारा सप्लाई वोल्टेज है, ये हम इनपुट दे रहे हैं मशीन में, दे रहे हैं मतलब ये क्या होगा, मशीन के अंदर जाएगा हमारा, तो इसकी डायरेक्शन क्या होती है, ऐसे हो जाती है, अपोजिट हो जाती है, ठीक है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, डीसी सप्लाई देंगे, तो ये जो फील्ड वाइंडिंग है ये हमने एक्सटर्नली कनेक्ट की है, ये दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं है, म्यूचुअल फ्लक्स के कारण क्या होगा, इसमें फ्लक्स जनरेट होगा। तो ये जो फील्ड वाइंडिंग है वो क्या हमारी सेपरेटली है, हमारी अलग से लगी हुई है हमारी मशीन में, इसलिए इसका नाम क्या है, सेपरेटली एक्साइटेड डीसी मशीन। अगर हम इसकी ईएमएफ इक्वेशन फाइंड करेंगे तो कैसा होगा, इसमें आर ए, ये ईबी क्या है, बैक ईएमएफ, और यहाँ पे ये क्या हमारा सप्लाई वोल्टेज वी है। आर्मेचर करंट की डायरेक्शन कुछ इस तरीके से होती है इनवर्ड, तो ये होगा प्लस और ये होगा माइनस, ये यहाँ का रेजिस्टेंस है आर ए। ये प्लस और माइनस क्यों होगा, क्योंकि करंट जहां से एंटर करता है वो टर्मिनल पॉजिटिव होता है, जहां से लीव करता है वो टर्मिनल नेगेटिव होता है। तो करंट ऐसे एंटर कर रहा है तो ये वाला टर्मिनल पॉजिटिव होगा, ये टर्मिनल क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो अगर इसके अक्रॉस अपन वोल्टेज ड्रॉप देखेंगे तो हमारा क्या होगा, आई ए इंटू आर ए। अगर इसमें हम ईएमएफ इक्वेशन लिखते हैं तो ईएमएफ इक्वेशन कैसे लिखेंगे, ये हमारा बैक ईएमएफ ईबी। अगर ईएमएफ इक्वेशन लिखेंगे, ये हम ऐसे मानते हैं इसका, तो ईएमएफ इक्वेशन लिखने के लिए हमने आपको बताया कि हमेशा कोई भी एक टर्मिनल लेके चलेंगे, या तो फर्स्ट टर्मिनल या फिर सेकंड टर्मिनल। मैं सेकंड टर्मिनल लेके चलती हूँ हमेशा, तो ये क्या हो जाएगा, जो लंबी लाइन होती है पॉजिटिव होती है और छोटी लाइन जो होती है वो नेगेटिव होती है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस ऑफ ई बी, ये क्या होगा, प्लस आई ए आर ए, इसका सेकंड टर्मिनल पॉजिटिव, इसका भी सेकंड टर्मिनल पॉजिटिव, आई ए आर ए, और ये क्या हो जाएगा, माइनस वी इक्वल टू जीरो, वी एफ मान लो चाहे वी मानो, ठीक है। तो V इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई बी प्लस आई ए आर ए, ऐसा ही होना ही चाहिए, क्योंकि जो ये वी एस है ये क्या है, सप्लाई वोल्टेज है, तो जितना वोल्टेज देंगे उसी से बैक ईएमएफ जनरेट होगा और कुछ ना कुछ जो आर्मेचर वाइंडिंग है उसमें क्या हो जाएगा, ड्रॉप हो जाएगा। तो ये दोनों मिला के क्या होगा, हमारा सप्लाई वोल्टेज होगा। तो ये हो गया वी एस इक्वल टू ई बी प्लस आई ए आर ए। ओके, तो ये क्या हमारा सेपरेटली एक्साइटेड डीसी मोटर। सेपरेटली एक्साइटेड मतलब इसमें जो हमारा फ्लक्स जनरेट किया है, फील्ड फ्लक्स जनरेट किया, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट की है,
वो एक्सटर्नल बाइंडिंग, अलग से बाइंडिंग लगा के अपन ने की है, उस बाइंडिंग को हम क्या करते हैं, डीसी सप्लाई प्रोवाइड कराते हैं। डीसी सप्लाई प्रोवाइड कराएंगे तो यहाँ पे एक फ्लक्स जनरेट हो जाएगा हमारा, और वो जो मैग्नेटिक फील्ड है उसके, अब मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो गई, कंडक्टर है इसमें हम करंट दे ही रहे हैं, करंट कैरिंग कंडक्टर है, तो वो क्या करेगा, एक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। ठीक है, तो जो सेपरेटली एक्साइटेड डीसी मोटर है इसी को हम क्या बोलते हैं, ये हमारी क्या, हमारी कांस्टेंट है, क्योंकि ये जो फ्लक्स है हमारा ये क्या होता है, हमारा कांस्टेंट, जितनी हमने सप्लाई दे दी है उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या होगा, हमारा फ्लक्स जनरेट होगा, ये सप्लाई वोल्टेज पे डिपेंड नहीं कर रहा है, तो इसको हम कांस्टेंट डीसी मोटर भी बोल सकते हैं एक अकॉर्डिंग। ओके, तो ये हो गया हमारा क्या, सेपरेटली एक्साइटेड डीसी मोटर। इसमें जो हमारा फ्लक्स है फाई, ये क्या होगा, फाई हमारा बढ़ेगा, फाई जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा हमारा आई एफ के, फील्ड वाइंडिंग के, होगा ना। तो जो आई एफ है वो हमारा इंक्रीज होगा, कब तक इंक्रीज होगा, मतलब फ्लक्स हमारा बढ़ता जाएगा कब तक, जब तक सेचुरेशन पॉइंट ना आ जाए, एक पॉइंट ऐसा आएगा सेचुरेशन पॉइंट के बाद, फिर हमारा फ्लक्स जो है वो बढ़ना क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा, फिर आप कितना भी फील्ड फ्लक्स बढ़ाइए, फील्ड करंट बढ़ाइए, फ्लक्स हमारा अब इंक्रीज नहीं होगा, क्योंकि हर एक चीज का एक सेचुरेशन पॉइंट होता है, उसके बाद वो हमारा काम नहीं करता है। सपोज हम पढ़ रहे हैं, एक दिन में हम 4 घंटे पढ़ रहे हैं, 5 घंटे, हम सोच रहे हैं कि हम दिन भर पढ़ लें, बट ऐसा नहीं होता है, एक टाइम आएगा तब आपका दिमाग सेचुरेट हो जाएगा, उसके बाद आप भले किताब लेके बैठे रहें बट वो काम करना बंद कर देगा। तो ऐसे ही इसका एक सेचुरेशन पॉइंट होता है हमारा, ठीक है, जो कोर है वो सेचुरेट हो जाती है, आप बढ़ाएंगे बढ़ाएंगे करंट तो फ्लक्स बढ़ेगा, बट एक पॉइंट तक बढ़ेगा, जब कोर सेचुरेट हो जाएगी उसके बाद आप भले कितना भी बढ़ा लीजिए वो हमारा करंट इंक्रीज नहीं होगा। ओके, तो ये हो गया हमारा क्या, सेपरेटली एक्साइटेड डीसी मोटर। अब हम डिस्कस करते हैं सेल्फ एक्साइटेड डीसी मोटर। मैं आपको ये थोड़ा फास्टली बता रही हूं क्योंकि मैं डिटेल में, बहुत डिटेल में पढ़ा चुकी हूं, तो आप प्लीज उसको रेफर करें अगर आप एक एक चीज देख रहे हैं, मतलब इसमें भी मैं आपको सब कुछ ही बता रही हूं, बट आप और डिटेल में चाहें तो वहां जाके देख सकते हैं, थ्योरी सब कुछ उसमें लिखा हुआ है। ओके, नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं क्या, सेल्फ एक्साइटेड। सेल्फ एक्साइटेड जो डीसी मोटर है इसमें क्या होता है, हमारा अलग से हमारा क्या होता है, बाइंडिंग नहीं होती है, जो फील्ड वाइंडिंग होती है उसको अलग से हम डीसी सप्लाई प्रोवाइड नहीं कराते हैं, उसमें क्या है, जो हमारी मशीन है उसी में क्या होता है, उसी का उसी में क्या होता है, हमारा सप्लाई प्रोवाइड कराते हैं, मतलब वो खुद से क्या करती है, जनरेट कर लेती है। ओके, नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं सेल्फ एक्साइटेड डीसी मोटर। तो सेल्फ एक्साइटेड डीसी मोटर में हमने आपको बताया कि 3 टाइप की होती हैं, शंट बाउंड, सीरीज बाउंड एंड कंपाउंड बाउंड। तो फर्स्ट हम डिस्कस करते हैं शंट बाउंड डीसी मोटर। ओके, शंट बाउंड डीसी मोटर, तो ये क्या है, शंट बाउंड, इसका मतलब क्या है, जो फील्ड वाइंडिंग होगी वो क्या होगी, हमारी आर्मेचर वाइंडिंग के पैरेलल में कनेक्ट होगी। पैरेलल मतलब क्या होता है, हमारा शंट। तो ये जो नाम दिए गए हैं हमारे डीसी मोटर के, जो टाइप्स ऑफ डीसी मोटर है, ये किस पे डिपेंड करता है, इनकी जो फील्ड वाइंडिंग है वो आर्मेचर के साथ कैसे कनेक्टेड है। अगर सीरीज में कनेक्ट होगी तो सीरीज बाउंड, अगर पैरेलल में कनेक्ट होगी तो शंट बाउंड। ओके, तो शंट बाउंड डीसी मोटर जो होता है इसका जो डायग्राम है वो हमारा क्या होगा, कुछ ऐसे बनेगा। ठीक है, ये हो गया हमारा आर्मेचर, इसके पैरेलल में क्या होगा, शंट फील्ड वाइंडिंग कनेक्ट होगी। तो ये क्या है हमारा आर्मेचर, ये ब्रशेस लगे हुए हैं, ये है VS सप्लाई वोल्टेज, इसमें जो करंट होगा वो क्या होगा, इनवर्ट होगा, अंदर आ रहा होगा। तो ये क्या है हमारा लोड करंट, सपोज IL, इसमें क्या था, ये IL बाहर जा रहा था, ये हमारा लोड करंट अंदर आ रहा है। IL ने टर्मिनल वोल्टेज VT माना, ये होगा हमारा क्या EB। ठीक है, तो ये IL, ये हमारा क्या RSS, यहाँ पे जो करंट जा रहा है वो आई एस है, तो ये आई एस जो ऐसे आएगा तो यहाँ पे अंदर जाएगा करंट आई ए, और ये आई एस है, और ये क्या हो गया हमारा आर एस है। तो जो शंट फील्ड, शंट बाउंड डीसी मोटर है उसका डायग्राम कुछ इस तरीके से बनेगा। अगर हम इसका इक्विवेलेंट सर्किट बनाते हैं तो कैसे बनेगा, ये हो गया आर एस एस, यहाँ पे क्या होगा आर्मेचर, आर्मेचर में आर्मेचर रेजिस्टेंस होगा, और ई बी बैक ई एम एफ, यहाँ पे ये क्या हो गया टर्मिनल वोल्टेज वी टी, ये हो गया लोड का आई एल, ये हो गया आई ए, और ये क्या हो गया हमारा आई एस एच, ये हो गया आर एस एच, आर ए एंड दिस इज ई बी बैक ई एम एफ। ओके, ये हम आई एल वी टी वही लेके चल रहे हैं क्योंकि ताकि आपको जनरेटर और मोटर में कंपैरिजन करने में सिंपल रहे, वरना यहाँ पे आप सप्लाई वोल्टेज ले लीजिए वी एस और यहाँ से सप्लाई करंट ले लीजिए आई एस। ओके, तो हम यहाँ पे देखेंगे अगर आप इस पॉइंट पर एट पॉइंट ए,
इस पॉइंट पे आप क्या करते हैं, अगर केसीएल लगाते हैं हमारा, ठीक है, एट पॉइंट ए अप्लाई केसीएल, अगर पॉइंट ए पे केसीएल लगाएंगे तो हमारा केसीएल क्या कहता है, किरचॉफ करंट लॉ, सम ऑफ एंटिंग करंट इज इक्वल टू क्या होगा, सम ऑफ आउटगोइंग करंट, जितना करंट अंदर आ रहा है किसी पॉइंट पे वो जितना करंट उस पॉइंट से लीव हो रहा है उसके बराबर होगा। तो इस पॉइंट पे एंटरिंग करंट क्या है, IL, वो किसके बराबर होगा, IA प्लस ISS, तो IL इक्वल टू क्या हो जाएगा, IA प्लस ISS। तो एक इक्वेशन हमारी ये हो गई, ठीक है। ISS फाइंड करना है तो ISS क्या होगा, ये VT वोल्टेज यहाँ है, टर्मिनल वोल्टेज वही वोल्टेज यहाँ है, वही वोल्टेज यहाँ अप्लाई होगा, सेंट फील्ड वाइंडिंग के, क्योंकि पैरेलल में जो वोल्टेज होता है वो क्या होता है हमारा, सेम होता है। ओके, तो जो ये सेंट फील्ड वाइंडिंग है इसके अक्रॉस भी वोल्टेज क्या होगा हमारा, VT ही अप्लाई होगा हमारा, तो ISS क्या हो जाएगा हमारा, VT बाई RSH। ओके, एक इक्वेशन क्या गई, IL इक्वल टू IA प्लस ISS। ओके, अब हमें EV फाइंड करना है, तो ये वाली जो लूप है इसमें हम क्या करेंगे, KVL लगाएंगे। तो अगर इस लूप में KVL लगाएंगे तो कैसे लगेगा, यहाँ पे हम देखेंगे करंट ऐसे एंटर कर रहा है, तो जो एंटरिंग पॉइंट है वो पॉजिटिव होता है, लीविंग पॉइंट है वो क्या होता है, निगेटिव होता है, तो ये प्लस होगा, ये माइनस होगा, यहाँ का ड्रॉप जो है वो क्या हो जाएगा, आईए आर ए। अब हम इसमें अगर केवीएल लगाते हैं तो हमने आपको बोला कि आप या तो फर्स्ट टर्मिनल लेके चले या फिर सेकंड टर्मिनल, मैं हमेशा सेकंड टर्मिनल लेके चलती हूँ, तो सेकंड टर्मिनल इसका क्या हो जाएगा, प्लस ऑफ ईबी, यहाँ का सेकंड टर्मिनल क्या है, प्लस, यहाँ का ड्रॉप क्या होगा, आईए आर ए, ऐसे जाएंगे तो इसका सेकंड टर्मिनल क्या है, ना माइनस, तो माइनस ऑफ वी टी इक्वल टू जीरो, ठीक है, तो वी टी इक्वल टू क्या आ गया, ईबी प्लस आईए आर ए, और अगर ईवी फाइंड करेंगे तो ईवी इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, वी टी माइनस आई ए आर, ठीक है। तो जो बैक ईएमएफ है इसकी इक्वेशन क्या आ गई, ये आई एल इक्वल टू आई ए प्लस आई एस एच, आई एस एच इक्वल टू वी टी बाई आर एस एच, ये क्या हो गया हमारा, संट बाउंड डीसी मोटर, ठीक है, जो संट बाउंड डीसी मोटर है उसका जो हमारा ईएमएफ इक्वेशन होगी वो कुछ हमारी इस तरीके से होगी, ठीक है। अगर हम इसमें आउटपुट पावर, मतलब जो ये देखें टर्मिनल पावर, वो क्या हो जाएगा, वी टी इंटू आई एल, और जो हमारा आर्मेचर पावर है वो क्या हो जाएगा, ईवी इंटू आई ए, तो ये क्या हो गया हमारा, संट बाउंड डीसी मोटर। अब हम डिस्कस कर लेते हैं सीरीज बाउंड डीसी मोटर। तो अगर हम सीरीज बाउंड डीसी मोटर की बात करें तो सीरीज बाउंड में क्या होगा, जो आर्मेचर वाइंडिंग होगी वो क्या होगी, ए फील्ड वाइंडिंग जो होगी वो क्या होगी, सीरीज में कनेक्ट होगी, ठीक है, सीरीज बाउंड डीसी मोटर। तो सीरीज बाउंड में क्या होगा, ये हमारा आर्मेचर है, ठीक है, इसके सीरीज में कनेक्ट होगी अगर हमारी फील्ड वाइंडिंग, तो वो क्या हो जाएगा, सीरीज बाउंड डीसी मोटर, ये हो जाएगा आर एस ई, ये होगा जनरेटेड वोल्टेज ई बी, ये ब्रशेस लगे हुए हैं, ये प्लस माइनस क्या है, वी टी, ये करंट जा रहा है आई एल। ओके, इसके पहले जो हमने आपको संट बाउंड डीसी मोटर बताया है उसमें हमने आपको ब्रश वोल्टेज ड्रॉप नहीं बताया है, वो क्या है हमारा, निग्लेजिबल है हमारा, ठीक है, सपोज ब्रश वोल्टेज ड्रॉप हमारा क्या है, निग्लेजिबल है, तो हमारा इस तरीके से हमने लिया, मतलब ब्रश वोल्टेज ड्रॉप हम क्या कर रहे हैं, निग्लेजिबल मान के चल रहे हैं। ओके, इसमें हम देख लेते हैं कि ब्रश वोल्टेज ड्रॉप को भी हम इसमें कंसीडर कर लेंगे, ये हो गया हमारा कैसे बनेगा, ये हो गया आर एस ई, ये हमने माना कि वोल्टेज ड्रॉप है टू बी बी, ये आर ए है और ये ई बी हो गया, ये टर्मिनल वोल्टेज है हमारा वी टी, ये करंट आ रहा है आई एल, ये है हमारा आर एस ई, ठीक है, ये हमारा टू बी बी, दो प्लस है इसलिए दोनों वोल्टेज का ड्रॉप हो जाएगा टू बी बी, ये हो गया आर ए और ये हो गया हमारा बैक ई एम एफ ई बी। ओके, अब हम अगर इसमें इक्वेशन लिखते हैं, ये हमारा करंट ऐसे फ्लो हो रहा है, तो ये एंडिंग टर्मिनल पॉजिटिव, ये लीविंग टर्मिनल नेगेटिव, ये एंडिंग टर्मिनल पॉजिटिव और ये लीविंग टर्मिनल नेगेटिव, ठीक है। तो सबसे पहले हम करंट देखते हैं, यहाँ पे ये सीरीज वाइंडिंग है, इसमें करंट फ्लो होगा आई एस ई, आर्मेचर वाइंडिंग है, इसमें करंट फ्लो होगा आई ए, तो आई एल आई एस ई आई ए तीनों क्या होंगे, सेम होंगे, क्योंकि सीरीज में करंट क्या होता है, सेम होता है, ठीक है, सीरीज में करंट जो होता है वो क्या होता है हमारा, सेम होता है, इसलिए आई ए बराबर आई एल बराबर क्या हो जाएगा हमारा आई एस ई, ठीक है, आई ए इज इक्वल टू आई एल इज इक्वल टू आई एस ई। ओके, अब अगर हम इसमें ई एम एफ इक्वेशन लिखते हैं इस वाले में, ठीक है, तो अगर हम केवीएल अप्लाई करेंगे तो हमारा कैसा होगा, ई एम एफ इक्वेशन क्या आएगी इसकी हमारी, देखिए हमने आपसे बोला हमेशा हम कैसे क्लॉकवाइज चल रहा है, ऐसे चलेंगे
सेकेंड टर्मिनल क्या है? पॉजिटिव, तो प्लस ऑफ ई बी, यहाँ का सेकेंड टर्मिनल पॉजिटिव, प्लस ऑफ यहाँ का ड्रॉप क्या हो जाएगा? आई ए आर ए, ठीक है। आर्मेचर वाइंडिंग है, इसमें करंट क्या फ्लो होगा? आर्मेचर करंट और रेजिस्टेंस आई ए, तो यहाँ का ड्रॉप आई ए आर ए, ये क्या हो जाएगा? प्लस ऑफ टू बी बी, यहाँ का क्या हो जाएगा? प्लस ऑफ आई एस ई आर एस ई, यहाँ का सेकेंड टर्मिनल माइनस, तो माइनस ऑफ वी टी इक्वल टू जीरो, यही होगा केवीएस। ई वी प्लस आई ए आर ए प्लस टू वी बी प्लस आई एस ई की जगह क्या लिख सकते हैं? आई ए आई ए आर एस ई माइनस वी ऑफ टी इक्वल टू जीरो। ओके, ई बी अगर हमें फाइंड करना है, इन सबको क्या करेंगे? लेफ्ट हैंड साइड ले जाएंगे, सॉरी राइट हैंड साइड ले जाएंगे, तो माइनस का प्लस हो जाएगा, प्लस का माइनस, तो ये क्या हो जाएगा? वी ऑफ टी माइनस आई ए आर ए माइनस आई ए आर एस ई माइनस ऑफ टू वी बी, तो ई बी इक्वल टू क्या होगा? वी ऑफ टी माइनस आई ए, अगर कॉमन ले लेते हैं तो आर ए प्लस आर एस ई माइनस ऑफ टू वी बी। ये हो गया बैक ईएमएफ की इक्वेशन की। बैक ईएमएफ हम कैसे फाइंड करते हैं? सीरीज बाउंड डीसी मोटर में। ओके, तो ये क्या हो गया हमारा सीरीज, जो बाइंडिंग है वो हमारी सीरीज में कनेक्ट है, इसलिए हमने क्या बोला, ये क्या हमारा सीरीज बाउंड डीसी मोटर। अगर बाइंडिंग हमारी पैरेलल में कनेक्ट थी तो वो क्या था हमारा? पैरेलल बाउंड डीसी मोटर। तो ये हो गया हमारे परमानेंट मैग्नेट टाइप। हमने देखा कि जो परमानेंट मैग्नेट होती है उसके थ्रू हम जनरेट करेंगे, सेपरेटली एक्साइटेड में अलग से करेंगे, सेल्फ एक्साइटेड में क्या होता है? खुद से जनरेट होता है, ठीक है। ये खुद से कैसे जनरेट होता है ये हमने डिटेल में डिस्कशन में वहां बताया है आप सिर्फ यहाँ पे कि यहाँ पे इसमें क्या होता है, सेल्फ एक्साइटेड में एक हमारा वोल्टेज रहता हुआ ई आर, जो कि क्या होता है? रेसिडुअल वोल्टेज रहता है। किसी भी मैग्नेट को या किसी भी डिवाइस को जो हमारा क्या बोलते हैं हम, हिस्टेरेसिस कर्व होता है, हमने हिस्टेरेसिस कर्व भी इंस्ट्रूमेंटेशन की जो प्लेलिस्ट आप जाके देखिएगा उसमें हमने हिस्टेरेसिस कर्व डिफाइन किया है। तो हमने हिस्टेरेसिस कर्व बनाया था, उसमें हमने देखा था कि जब ये जीरो होता है तो कुछ हमारा क्या रहता है? रह जाता है। रिटेंटिविटी प्रॉपर्टी के कारण एक वोल्टेज रहता है मशीन में, वो क्या रहता है? रेसिडुअल वोल्टेज। या फिर हम क्या करते हैं, वाइंडिंग को थोड़ा देर डीसी सप्लाई करा देते हैं, उसके बाद हटा देते हैं 10-15 मिनट के लिए, तो उसमें एक वोल्टेज जनरेट हो जाता है, रेसिडुअल वोल्टेज। और इसी रेसिडुअल वोल्टेज के कारण क्या होता है हमारा मशीन में, एक फ्लक्स हमारा जनरेट हो जाता है, और फिर हमारा धीरे धीरे क्या करके हमारा क्या होता है, ये ऑटोमेटिकली क्या कर लेता है, हमारा ईएमएफ इंड्यूस कर लेता है। तो ये है हमारा क्या, सेल्फ एक्साइटेड में सीरीज बाउंड हो गया एंड शंट बाउंड डीसी मोटर। ओके, नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे कंपाउंड बाउंड डीसी मोटर क्या होता है। ओके, थैंक यू।